4 की तरफ आते हैं। व्याधि समुद्देशियम अध्यायम, श्लोक का पहचानना आना चाहिए, है ना? आपको मैं श्लोक देता हूं, आपको बताना है कहाँ आया है। तद दुख संयोग व्याधय उच्यते, क्या लगाओगे? तद दुख संयोग व्याधय उच्यते। चैप्टर नंबर 24 नहीं है, तभी तो मैंने पूछा है। तद दुख संयोग व्याधय इति, तो आंसर जाएगा 24। उच्यते बाद में दिया है, तो आंसर जाएगा पहला चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द्विविध व्याधि कौन कौन सी है इस अध्याय में? द्विविध व्याधि कौन कौन सी है? शस्त्र साध्य एक है, दूसरा नाम बता दो जल्दी से। एक तो शस्त्र साध्य है, दूसरा कौन सा साध्य है? तो आंसर जाएगा स्नेहादि क्रिया साध्यम। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको मैं डिसीज दूंगा और आपको पहचानना है कि ये कौन सी व्याधि है ना? हम लोग इसमें त्रिविध दुख के बारे में हम लोग इसी अध्याय में पढ़ते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इसी चैप्टर में रेफरेंस आता है। इसके बाद सप्तविध अगेन क्लासिफिकेशन मिलेगा व्याधि का इसी अध्याय में। मैं केवल आपसे डिसीज पूछूंगा और आपको बताना है ये कौन सी व्याधि है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैं देता हूँ। बादिर्य, बादिर्य सातों व्याधि में कौन सा जाएगा? आदि बल प्रवर्त है या जन्म बल प्रवर्त है? तो जन्म वाला, वेरी गुड आंसर है। अगला आपको सामने ऑप्शन है अर्श। अर्श में क्या लगाओगे? अर्श में तो आदि बल प्रवर्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन पिशाच आदि कृत, पिशाच आदि कृत, क्या आंसर लगाओगे? जल्दी से बताओ क्या लगाओगे, ठीक है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन मृत्यु, मृत्यु और निद्रा, मृत्यु और निद्रा क्या लगाओगे? मृत्यु और निद्रा, स्वभाव बल, वेरी गुड, स्वाभाविक व्याधि है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, अध्याय से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला चैप्टर अगली अगली से बताओ मुझे। धातु प्रदोष जय विकार, इसी अध्याय में आपको मिलेंगे। मैं आपको पूछूंगा, आपको बताना है कौन सी धातु का है। इंद्रलुप्त, इंद्रलुप्त रस है या रक्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त है, ठीक है। क्लैब्य कहां पर मिलेगा? क्लैब्य, क्लैब्य, जल्दी से बताओ मुझे। तमोदर्शन कहाँ मिलेगा? तमोदर्शन, ठीक है। एक और रेफरेंस पूछा जाता है, सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्माणां एवं मूलम्। रेफरेंस कौन से अध्याय में आया ये? सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्माणां एवं मूलम्, इसी चैप्टर का रेफरेंस है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर जल्दी से, गुद आप पढ़े हो ना, गुद पाक और मिद्र पाक, ये कौन से दोषज विकार हैं? कौन से प्रदोषज विकार है, रस या रक्त है? ठीक है, रक्त करेक्ट आंसर है। अगला बताओ मुझे, उपकुश, उपकुश कहाँ लगाओगे? उपकुश, उपकुश में क्या लगाओगे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो ठीक है, उपकुश करेक्ट है। मांस, मांस में जाएगा उपकुश, गलती हो जाती है, देख लेना श्लोका में जाके, मांस में दिया है, हम लोग जल्दी जल्दी में गलती कर देते ना। बलि पलित कहाँ लगाओगे? बलि पलित, बलि पलित, ठीक है, इसी अध्याय में मिलेगा बलि पलित। रसज इंपॉर्टेंट है। अभी बताओ मुझे, मलायतन दोष कितने होते हैं? मल आयतन के दोष कितने होते हैं? तीन या चार? तो चार मिलेगा, ठीक है। चार में क्या कौन सा है, कौन कौन सी प्रवृत्ति बताइए, बताओ मुझे। चारों में कितनी प्रवृत्ति है, जैसे अति प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति, कितनी प्रवृत्ति है टोटल? दो प्रवृत्ति है, अति प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति, संग। स्टार मार्क क्वेश्चन, त्वक दोष, जो गलती हो जाती है हमसे वो है त्वक दोष, हमको याद ही नहीं आता है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ से रेफरेंस है। एक और इंपॉर्टेंट रेफरेंस कौन सा है बताओ मुझे जल्दी से। कुपिता नाम ही दोषाणाम, इस अध्याय का चैप्टर ऐसे है वो, हम लोग 21 लगा देते हैं उसको। कुपिता नाम ही दोषाणाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अभी बताओ, इंद्रिय आयतन विकार में कितनी प्रवृत्ति है? हम लोग मलायतन दोष पढ़ लिए ना, उसमें दो प्रवृत्ति थी, अति प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति। इंद्रिय आयतन विकार में कौन कौन सी दो प्रवृत्ति है, जल्दी से बताओ। एक तो अप्रवृत्ति है, दूसरी अति प्रवृत्ति है या नहीं है, बताओ मुझे। अति है या अन्यथा प्रवृत्ति है, अति है या फिर अन्यथा प्रवृत्ति है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अन्यथा प्रवृत्ति है। यहाँ पर श्लोका देख लेना, वहां पर क्या दिया है, श्लोका में क्या दिया है, अन्यथा। चलिए आगे चलते हैं, अगर ऑप्शन नहीं दिया ना अन्यथा तब लगा देना अति, तो ठीक हो जाएगा।